ट्रिग्नोमेट्री के पांच इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, tan स्क्वायर 10 माइनस cot स्क्वायर 80 है। तो अगर हम tan स्क्वायर चाहे इसको दोनों में से किसी एक को आपको चेंज करना है, दोनों को नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए tan tan स्क्वायर स्क्वायर 10 है ना, 10 को हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं हम 90 माइनस 80, क्या इतना लिख सकते हैं। अगर हम 90 में से 80 को माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा, ठीक है। हमने सिर्फ इसको लिखा है कि 90 माइनस 80, और इस वाले को जैसा था वैसे ही नोट करिए, cot स्क्वायर 80। और आप लोग सोच रहे हो सर इसको क्यों चेंज किया, इसको भी आप कर सकते हैं, अगर इसको लिखना होता तो आप यहाँ भी कर देते 90 माइनस 10 तो 80 हो जाता, चाहे आप इसको चेंज करिए चाहे इसको, लेकिन एक को करिए। देखिए आपने ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप सभी को पता होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो हम लिख देंगे cot थीटा, थीटा प्लस पे 80 है तो हम लिख देंगे 80, लेकिन स्क्वायर ऊपर था वो यही रहेगा, इससे इस वाली प्रॉपर्टी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये क्या है हमारा cot स्क्वायर 80, ये जैसा था वैसे नोट कर दिया, ठीक। यहाँ पर आपको चेंज करके लिखना होगा, बहुत जरूरी है वो, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, ये आपको प्रॉपर्टी लिखनी है। और आप देखेंगे यहाँ पर cot स्क्वायर 80 माइनस cot स्क्वायर 80 सेम सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 0। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/3, आपको फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, अब देखते क्या लेना है। अब यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा को हमको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से 1 है उस तरफ भेजते हैं, यहाँ से 1 को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आपका आगे है 2/3, और जब ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं एक माइनस और लगा हुआ है ना, चलिए इसको भी लगा रख दीजिए। अब क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके नीचे आप 1 सपोज करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा आपको 3, लाइन खींचिए और फिर क्या करते हैं 3 से 3 को डिवाइड करेंगे, 1 आएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो जाएगा आपको 2 × 1, यहाँ पर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो 1 ऊपर है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, चलिए इसके एलसीएम है और कुछ नहीं है। तो आप इसके बाद आप क्या करते हैं, 2 × 2 आप 2 लिखेंगे, माइनस 3 लिखेंगे और अपॉन में 3 लिखेंगे, जब इसको आगे माइनस करेंगे आप आगे तो 3 बड़ा है तो साइन माइनस का आएगा तो माइनस का 1/3, और यहाँ पर बेचारा आपने tan स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसे ही है। अब क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल में लिखकर देखिए, माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1/3, अब ये माइनस का टर्म हो जाएगा। अब इस रूट स्क्वायर को उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ से अगर स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो हमारे यहाँ क्या बचेगा, tan थीटा बचेगा, और उस तरफ भेजा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, √1/√3 हो जाएगा, और 1 जो है √1 आपको पता ही क्या होता है, √1 जो होता है 1 निकल के आता है, तो यहाँ पर वो 1 हट जाएगा, वन बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा हमारा बेचारा √3। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा कितना हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 की वैल्यू कितनी होती है, आप सभी को पता होगा, बताइए 1/√3 होता है आपका कितना, tan 30। अब यहाँ से tan का टर्म तो आपको क्या निकल के आ गया, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है, फर्स्ट हो चुका है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखते हैं ना, क्या है, साइन 25, तो यहाँ लिखेंगे साइन 25 और यहाँ पर है बॉल में cos 65, ठीक है, cos 65, और यहाँ पर है आपका कितना प्लस का, चलिए इरेज करते हैं। अब सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो थर्ड का सॉल्यूशन देखते हैं क्या है, साइन 25 अपॉन कॉस 65, टैन 23 अपॉन कॉट 67। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी एक को सॉल्व करेंगे, चाहे इसको सॉल्व करें चाहे इसको, मतलब चेंज करना है तो किसी एक को चेंज करेंगे और यहाँ पर किसी एक को चेंज करते हैं। और एक खास बात आपको बताएं, इन दोनों का सम हमेशा 90 होगा, हमेशा, इन दोनों को भी देखिए, इन दोनों को भी देखिए, अगर आप ऐसा सीरीज में देखेंगे लिखे रहेंगे तो उनका, अगर दो टर्म लिखे तो उनका भी सब 90 ही हो रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें से कोई एक चेंज करके दिखाते हैं। हम लिखेंगे साइन, इसके आगे का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, साइन 25 लिखेंगे, लिख लिया, अब कॉस भी क्या है, कॉस 65, तो कॉस को कॉस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा 65 को हम 90 माइनस 25 करें, 90 माइनस 25, सर 25 आपने क्यों सोचा, अरे भाई ऊपर लिखा था इसलिए मैंने माइनस कर दिया, आपको बस ऊपर वाला लेना हमेशा, अगर नीचे वाला चेंज कर रहे हैं तो ऊपर वाला माइनस कर दीजिए, और अगर ऊपर वाला हम चेंज करेंगे तो नीचे वाला माइनस करेंगे। अब ये भी करके दिखाते हैं, देखिए इसमें हम चेंज करना चाह रहे हैं कौन सा, ऊपर वाला, तो ऊपर क्या लिखेंगे, tan को तो tan लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए tan को तो हम tan लिखना है, दिख रहा है आपको,
थोड़ा ज्यादा ऊपर होना है, ठीक है? टेन को तो हम टेन लिखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए 23 है, तो 23 90 में से कितना माइनस करें? अरे भाई नीचे लिखा रहता है 67, बस हो गया। और अपॉन में नीचे वाला भी मत चेंज कर देना, नीचे वाला जैसा है ना उसको वैसे ही रहने देना, कॉट 67। इतना होने के बाद अब देखिए क्या करना है आपको, जो ये आया ना साइन 25 ऊपर वाला उसको वैसे लिख दीजिए साइन 25, और ये कॉस 90 माइनस थीटा फॉर्मूला बन गया ना, इसीलिए इसको ए को चेंज करते हैं, तो हो जाएगा आपको कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 25, और यहाँ पर टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो लिख देंगे कॉट 67, और अपॉन में भी कॉट 67 ऑलरेडी है, तो आप देखेंगे ये इससे खत्म हो जाएगा 1 बचेगा, ये इससे खत्म हो जाएगा 1 आएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा 1+1 यानी कि 2 हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा आई थिंक, थर्ड वाला भी क्वेश्चन अपना नहीं पढ़ गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। 4 का सॉल्यूशन देखिए क्या है, √3 sin u लिखा हुआ है, तो चलिए इसको नोट करते हैं, √3 sin u, और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका cos u, और इस वाले क्वेश्चन में आपको पता क्या करना है, इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3 cos² u + 2 cos u / 3 cos u + 2 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो पहले भैया इसको सॉल्व करके कुछ पूछा जाएगा, ठीक है? देखिए आप क्या करेंगे, जो रूट थ्री ना इसको उधर भेज दो और कॉस को उधर भेज दो। सर ये क्या कह रहे हैं भाई, ऐसा कर रहे हैं ना कि नंबर को एक तरफ और वेरिएबल को एक तरफ, तो ऐसा करते हैं कॉस को इधर लाते हैं, अच्छा देखो ऐसे लिखते हैं √3 को रहने दो पहले, साइन यू ऐसे है और कॉस यू इसके बटिक मैंग छुपा हुआ होगा, छुपा रहता है ना वैसा, तो ये नीचे आएगा आपका कौन कॉस यू, यहाँ पे नीचे ले आओ कॉस यू, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा। अब क्या करना है, इस √3 को इधर भेजना है, तो जब ये इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और यहाँ से इसको इरेज कर दो। आप लोग को अगला स्टेप करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो ये √3 नीचे पहुंच गया, तो मैं ये बता रहा था आपको करने के लिए ऐसा कुछ, समझ में आया? अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि साइन यू अपॉन कॉस यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेन यू, और ये 1/√3 किसकी वैल्यू है, टेन 30 डिग्री की, tan tan कटम हो जाएगा, आपको क्या मिल गया u की वैल्यू 30 डिग्री मिल गई है भाई। अब u की वैल्यू मिल गई आपको, फाइंड क्या करना था, फाइंड करना था 3 cos स्क्वायर, पहले लिख लेते हैं इसको 3 cos स्क्वायर u प्लस 2 cos u अपॉन में 3 cos u + 2 इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो भाई देखो 3 यहाँ पर इसको वही रखो, ठीक है? रख दिया cos स्क्वायर u, u के प्लेस पर हमको 30 मिला तो हम 30 रख देंगे, ठीक है भाई 30 मिला गया, फिर यहाँ पर 2 cos u के प्लेस पर 30 रखेंगे, जहाँ यहाँ पर u है वहाँ पर 30 रखेंगे, 3 cos 330 रखेंगे और प्लस का 2, और cos 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू देखिए 3 लिखेंगे और cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है आपका √3/2, cos 30 की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पर आपको दिया है इसका स्क्वायर, अगर आप इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ मतलब इसका स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना 3 निकलेगा और इसका कितना 4 निकलेगा, यानी कि इसका स्क्वायर की वैल्यू जब आएगी तो कितनी निकलेगी 3/4, क्लियर? ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या निकलेगा देखिए 2, और cos 30 की वैल्यू कितनी रहेगी √3/2, ठीक है? देखिए यहाँ पर आपका 3 इंटू cos 30 की वैल्यू है √3 अपॉन में 2 और प्लस का 2 है, बस ये आ गया आपका नंबर पूरा क्वेश्चन, बस इसको सॉल्व करना है आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है? चलो देखते हैं आगे क्या आएगा, ये देखिए ऊपर हो जाएगा 3 3 9, ऊपर हो गया 9 अपॉन में 4 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 कटम हो गया, तो यहाँ पर बचा आपका प्लस का √3 और अपॉन में क्या बचेगा, ये है आपका √3 यानी कि √3 हो जाएगा अपॉन में 2 और प्लस का 2। अब इसका एलसीएम लेकर कुछ इस तरह सॉल्व करना है, देखिए ऊपर वाले का एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, कितना आएगा ये हो जाएगा आपका 4 पूरा एलसीएम ले लेते हैं, ठीक, और ऊपर बचेगा 9 + 4 √3, ठीक है? नीचे वाली लाइन जो वाली आती है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 √3 और प्लस का 4 और अपॉन में भी 4, ये 4 कटम हो जाएगा और उसके बाद हमारा ऊपर कितना बचेगा 9 + 4 √3 और डिनोमिनेटर वाला ये कितना बचा 3 √3 + 4। बस दो नंबर में क्वेश्चन आएगा ये एक बार छोड़ दीजिएगा, ठीक है? अदरवाइज इसका रेस्ट करके भी आगे ले जा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर बस यहीं तक है, ठीक है?
ये हो गया अपना कौन सा फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हो गया है। अब करते हैं लास्ट वाला, फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला ओके चलिए अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर पांच। पांच लिखा हुआ थोड़ा नीचे आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है भाई अपना कौन सा साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 57। अभी मैंने कहा था कि अगर इस सीरीज में लिखे हुए हैं तो दोनों का सम कितना 90 हो रहा होगा। साइन 33 लिखा हुआ है यहाँ पर, साइन स्क्वायर 57 लिखा है, तो आप क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 57 और स्क्वायर लगा दीजिए प्लस आप साइन स्क्वायर 57। मैंने कहा था ए को चेंज करेंगे तो इसको चेंज किया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा और थीटा के प्लेस में 57, स्क्वायर जैसा था वैसे लगाओ। आप देख के समझे समझे ना साइन स्क्वायर 57 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। चाहे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो चाहे कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो, बस थीटा सेम होना चाहिए, वैल्यू कितनी आएगी। हमने पांच क्वेश्चन पूरी सॉल्व हो गए हैं, कोई क्वेश्चन आपको समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा, फिर से समझा देंगे।